माफ़ कीजिएगा मैं मीडिया से पूछता हूँ आप क्यों नहीं पूछते कि हिंदू किसको वोट देगा शिया फॉलोअर फ्रेंड सपोर्टर मुस्लिम जो है वो हिस्टोरिकली चलते हैं मतलब वो उसमें जो खिलाफत आई है वो उनके घर के मेम्बर से नहीं आई है बल्कि अलग के लोग रहे हैं तो वो लोग हिस्ट्री को वो करते हैं वो फैमिली को करते हैं जो हुई है शिया मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो डिवाइड हुई है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इन लोगों ने जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाउंस किया था गदीर के मैदान में उसको डिनाई किया बेसिकली वो जुलूस क्या है वो एक प्रोटेस्ट है अच्छाई का प्रोटेस्ट बुराई के ख़िलाफ़ 1400 साल पहले आप वाकिफ़ होंगे उस हिस्ट्री से जो बरबरीत थी यजीद की उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहत्तर लोगों ने उसको चैलेंज किया अरे आप आग, इसका मतलब आप जालिम के साथ देखिए शिया कम्युनिटी जो है वो किसी एक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कहते हैं आज मुगल्स ले करके चले गए मुगल्स कहाँ ले करके गए अरे मुगल्स आप उस वक्त की जीडीपी देखिए उस वक्त मुगल्स यहीं के जो भी उन्होंने बनाया जो भी कमाया यहीं पर लगाया अंग्रेजों की तरह ले करके नहीं गए टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी एंड को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी नमस्ते मेरा नाम सिद्धांत है और मैं और मेरे साथी विजय इस समय यूपी के लखनऊ में हैं हम इन इस फ्रेम में जिन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं उनमें से अधिकतर सब नहीं अधिकतर ना अधिकतर शिया मुस्लिम हैं हम शिया मुस्लिमों से इस एक क्लोज सेटअप में क्यों बातचीत कर रहे हैं क्योंकि देश में शिया मुस्लिमों के दो तीन बड़े कॉन्सोल्टेशन के केंद्र मिलते हैं हैदराबाद हो गया मुंबई के आसपास के इलाके हो गए और अवध का ये क्षेत्र हो गया जहां हम खड़े हैं और ख़ासकर बीते कुछ सालों में मुस्लिमों के पॉलिटिक्स में मुसलमानों की जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है उनका जो राजनीतिक झुकाव है उसमें शिया मुसलमानों को बारहा केंद्र में रखा जाता है ये कहा जाता है कि शिया मुसलमानों बनाम सुन्नी मुसलमानों की पोलिटिकल लड़ाई क्या है उनकी आपसी लड़ाई क्या है शिया मुसलमान किस हालत में हैं बतौर सुन्नी मुसलमान चूँकि मुसलमानों में भी शिया मुस्लिम एक अल्पसंख्यक तबका है हम शिया मुस्लिमों को इस पूरे वीडियो के जरिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे मैं कई सारे ऐसे सवाल पूछूंगा, जो बड़े लेमैन किस्म के सवाल लगेंगे लेकिन वो सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि हम भी समझें और आप भी समझें और थोड़ा थोड़ा राजनीति को भी समझें तो मुझे लगता है मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछने वाला हूं सर ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू ड्राई और फ्रेश रखे हर इंडियन का फ्रेश कोड तो सर आप अपना नाम बता दीजिए मुझे ऑन रिकॉर्ड मुझे जहीर अहमद खान इफ्तारी कहते हैं और मैं लखनऊ ही में रहता हूँ और मैं शिया अरबी कॉलेज जो शिया कॉलेज की अरबी ब्रांच है उसका प्रिंसिपल भी हूँ और शिया कॉलेज के बोर्ड ऑफ ट्रेस्टीस का मेंबर भी हूँ और मलिसा का भी मेंबर हूँ मतलब मैं आपको क्या शिया धर्मगुरु बुला सकता हूँ शिया धर्मगुरु ही आप कह सकते हैं वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ समझिए ठीक है जी मैं पहला सवाल ये पूछने वाला हूँ कि मैंने दूसरे मुस्लिम धर्मगुरुओं को देखा जिस सुन्नी मुस्लिम धर्मगुरुओं को देखा तो उनके सर पे टोपी रहती है और लेकिन जब लखनऊ से तस्वीरें आती हैं ईद के पहले या इसके पहले उसके पहले जो रस्मी किस्म की मीडिया कवरेज होती है और उसमें तस्वीरें जब आती हैं तो आ, 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 आप लोगों के सिर पे ये पगड़ी जैसी रहती है पगड़ी कहते हैं क्या कहते हैं इसको अमामा कहते हैं हमारे यहाँ अरबी में अमामा अमामा कहते हैं और अमामा जो है वो टर्बन को कहते हैं टर्बन टर्बन तो ये शिया धर्म गुरुओं की पहचान है अमामा हिंदी में पगड़ी आप कह दीजिए तो शिया धर्म गुरु पगड़ी बांधते हैं जी अमामा हैं पगड़ी वही अमामा टोपी नहीं पहनते नहीं टोपी भी पहनते हैं लेकिन क्योंकि ये हमारे हज़रत रसोल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लिबास था उसके बाद उनके जो बारह इमाम जानशीन थे उनका यही लिबास था यही लाकबा और यही अबा जो हम दोष पे डालते हैं और ये अमामा तो इस, उनकी इसकी इस मुनासिबत से हमारे जो हैं वो पूरी पूरे तारीख़ में आप देख लीजिए कि उन्होंने रसोल्ला का लिबास भी नहीं बदला है जो रसोल्ला लिबास पहनते थे या हज़रतलीसम पहनते थे या उनके ग्यारह बेटे हज़रतली सलाम के पहनते थे वही लिबास हम लोग भी पहना पहना जाता है अच्छा। ताकि वो दबदबा और क्या कहते हैं वो शान बाकी रह शान की वजह से और ताकि मतलब, प्राइड हाँ लेकिन ये कि ये इल्म की कोई अलामत नहीं है लेकिन आमतौर से इस लिबास में लोग ज़्यादातर पढ़े ही लिखे होते हैं अच्छा चलिए सर ये बता दीजिए मुझे जहिर साहब कहूँगा ना मैं आपको जहीर साहब इफ्तारी कहूँ ठीक है तो मुझे ये बताइए कि एकदम बेसिक सा सवाल शिया मुस्लिम कौन होते हैं सर शिया मुस्लिम वो होते हैं जो रसूलुल्लाह को मानते हैं अल्लाह को तो मानते ही हैं और अल्लाह के बाद अल्लाह की किताब कुरान को मानते हैं और उसके बाद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं और रसूलुल्लाह के बाद जो है वो उनके बारह जानशीन अली उनके दामाद भी थे और चचाज़ाद भाई थे उनसे उनके उन स्कोर मानते हैं उनके बाद उनकी ग्यारह औलादें जिसमें से दस को तो जो है वो क्या कहते हैं हज़रत अली की औलादों को जो है वो क़त्ल कर दिया गया जहर के ज़रिए से और तलवार के ज़रिए से और एक जो है वो उनके जानशीन और नुमाइंदे जो हमारा अकीदा है कि वो आखिरी इमाम इमाम ज़माना के नाम से परद ईबत में है वो इसी दुनिया में है और जब दुनिया जुल्म और जौर और उससे भर जाएगी तब वो परद ग़ैब से बाहर आएंगे और इस दुनिया को अदल इंसाफ से और भर देंगे और हर आदमी को आज़ादी से हर मज़हब के जो भी उस ज़माने में अगर रहेंगे भी जिन्होंने नहीं कबूल किया इस्लाम वो भी अगर रहेंगे तो इंसाफ सबको मिलेगा किसी को ऐसा नहीं करना मिले जैसा कि हज़रतली के, हज़रत के पीरियड में भी यही होता रहा यही कोशिश थी कि सबको इंसाफ़ मिले चाहे वो किसी भी धर्म हो किसी भी मज़हब का हो इसको शेह कहते हैं और आज़ादारी है इमाम हुसैन भी हमारी बात लेकिन आज़ादारी इमाम हुसैन मुसलमान भी करते हैं हिंदू भी करते हैं लेकिन ये शीह की शर्त यही है कि वह रसोल्ला के बाद कुरान के बाद रसूल्ला और कुरान के बाद जो है वो उनके बारह जानशीन को जो बरह है जिनका नाम रसोल्ला ने बयान किया था और ये सुन्नी की और सुन्नीओं की किताबों में है और उन्हीं के ख़ानदान के वो बारह आदमी होंगे उनको हम फॉलो करते हैं उनको मानते हैं ये शिया की डिफिशन अच्छा शेह मुसलमान और सुन्नी मुसलमान एक दूसरे से अलग कैसे हैं सर ये डिफरेंस क्या डिफरेंस ये है कि रसोल्ला ने अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपने बारह जानशीनों के नाम बता दिए थे और वन बाई वन सबका नाम गिना मैं, दिया मैं, था मैं उर्दू में कमज़ोर हूँ सर ठीक है मिसलिए मैं अगर आपसे किसी शब्द पर मैं पूछूंगा इनका मतलब क्या जानों का मतलब आ, क्या आ, जानशीन का मतलब सब्सिट्यूट उनका नुमाइंदा ठीक है तो सक्सेसर थे हजरत अली को बनाया था अपनी जिंदगी में और हज़रतली को इसलिए भी बनाया था कि हज़रतली इल्म में कमाल में शजात में बहादरी में दल में इंसाफ में इंसानियत में शराफ़त में हर लिहाज से जो है वह सबसे सुपीरियर थे और सबसे अल क्वालिटी की शख्सियत थी और हज़रत अली ने अपने आखिरी हज अपनी लाइफ का जो किया उसमें जब लौटने लगे तो सवा लाख हाजियों का एक मजमा जमा था जहाँ से लोग डिवाइड होते थे सीरिया और इराक़ और दूसरे इलाक़ों के लिए वहाँ उन्होंने बाकायदा काफिले को रोक के और हज़रत अली के के नुमाइंदगी को और हज़रत अली को अपना जानशीन और अपना नुमाइंदा सक्सेसर जो है वो इंट्रोड्यूस किया और मेंबर से जो है वह इसको ये सारी चीज़ें जो है वो अहले सुन्नत की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर मौजूद है ये बात और है कि वो माने ना लेकिन ये सब उनकी किताबों में और यही पैगंबर के रियल जो है वो सक्सेसर और जो थे और उनके ग्यारह बेटे जो थे वो थे ठीक है ये यही फ़र्क है हमें और अहले सुन्नत सदरात में दूसरी चीज़ यह कि जो उन लोगों के मतलब ये कि इन लोगों के कातिल थे ग्यारह इमामों के उनको ये लोग जो है वह अह सुनत में काफ़ी लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं और उनको उनको मानते मतलब हैं आप कह रहे हैं कि जो ग्यारह ग्यारह लोगों के कातिल थे उसको सुन्नी मुस्लिम आ, सपोर्ट करते थे और यजीद से म, 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 मतलब ये कि फ़ातिमा जहरा के साथ जिन्होंने जुल्म किया उनको और उनके जो भी जो तो उनको वो लोग जो है वो मतलब मानते हैं अब कुछ लोग जो है वो उनके जुल्म को तो जो है वो डिनाई करते हैं कि हम इनके जुल्म को नहीं ये गलत हुआ लेकिन ये कि उनकी की खिलाफत के वो ख़ायल है लेकिन हम लोग उनकी खिलाफत के ख़ायल नहीं हम बारह इमाम जो रसूल्ला ने जिनको इंट्रोड्यूस तो उन्हीं को हम ऑफ मोहम्मद मानते हैं आई एम सॉरी लेकिन कोई इस पूरी बातचीत को थोड़ा आसान तरीके से समझा सकता है मतलब मैं हिंदी भाषी हूँ ये ये कौन ये 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 अच्छा आप बता ठीक है हां नाम रुबीना जावेद मुर्तजा जी बताए ये जो सवाल है मुझे लगता है कि नहीं कि इसका कोई ताल्लुक हमारे हमारी से होने वाला है शिया सुनी मुस्लिम्स में जो मेन जो एक कह दीजिए आप फ़र्क ये है कि वो अहले बात मतलब प्रॉफिट के जो घर है उनके घर की जो फैमिली है उसको शिया का मतलब होता है फॉलोअर अच्छा शिया मीन्स फॉलोअर फ्रेंड सपोर्टर तो वो बस फैमिली को सपोर्ट करते हैं अच्छा। और ये क्योंकि हिस्टोरिकल जो है वो सुन्नी मुस्लिम जो है वो हिस्टोरिकली चलते हैं मतलब वो उसमें जो खिलाफत आई है वो उनके घर के मेम्बर से नहीं आई है बल्कि अलग के लोग रहे हैं तो वो लोग हिस्ट्री को वो करते हैं वो फैमिली को करते हैं बस दैट्स इट मुझे लगता है शिया मुस्लिम कम्यूनिटी जो है वो डिवाइड हुई है प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इन लोगों ने जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाउंस किया था गदीर के मैदान में उसको डिनाई किया और जिन लोगों ने जो है वो मीटिंग करके पैगंबर के ये हिस्ट्री में बता रहा हूँ ये शी सुनी से हम शिया हिस्ट्री कोई नहीं है जितनी हिस्ट्री की बुक हैं वो हमारे आल सुन्नत हजरात ने लिखी हैं और वो सारी मौजूद हैं तो उसमें यह दिया कि रसोल्ला के जनादे को जो है वो अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था उसके बाद भी जो है वो ख़िलाफत का मसला हो गया तो उसमें वायरल हो गया लेकिन क्या कि ये हमारे टॉपिक में नहीं है इस पर आप कभी अगर जो है वो आप सही तरीके से समझना चाहते हैं मेरे तो लिए ज़रूरी है ना सर मेरे लिए इससे ज़रूरी है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पत्रकार भी हैं लखनऊ में वो ये कहते हैं कि आ, पूरे देश में जब भी हिंदू मुस्लिम हिंदू मना मुस्लिम के दंगे हुए माहौल बिगड़ा लखनऊ उनसे अछूता रहा ठीक है लेकिन आपको बहुत खोदना पड़ता है लोग मैंने भी कई बार रिपोर्टिंग में तो बहुत खोदना पड़ता है तब कहीं वो सेंटिमेंट दिखता है लोगों में उन रेडिकल्स का कई रेडिकल्स में कट्टरपंथियों में दिखता है दोनों तरफ के कि हिंदू मैं मुसलमान की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं इंग्रेव्ड है नहीं भी दिखती है लेकिन ये बात इसलिए समझना चाह रहा हूँ ना क्योंकि अभी आगे आने वाली बातचीत में इसका रिफरेंस आएगा क्योंकि लखनऊ में हिंदू मुसलमान दंगे की बात नहीं होती है, लेकिन सिया सुनी दंगे की बात होती है इसका, जिसकी बा, जिसका जिसका जिसकी बात जिक्र मैं थोड़ी देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी आप लोगों से कर रहा था एक वकील के हवाले से तो मुझे वहां तक जाने के लिए कम से कम अपने दर्शक को वहां लेके जाना पड़ेगा कि यह होता क्यों है ठीक है क्या इतिहास कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लखनऊ में संघर्ष जितना भी है सब कुछ पॉलिटिकल ही होता है और झगड़े नहीं होने चाहिए हमारा फोकस इस पर होने चाहिए कि एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं हमें वो सीखने की ज़रूरत है हम लोग एक सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं हमें चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों वो एक अलग बात है लेकिन उन डिफरेंसेस को uh, किनारे रख के हम एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को कैसे वैल्यू दे सकते हैं हम एक दूसरे के साथ कैसे जस्टिस कर सकते हैं ये मेन है मैं ऐसे uh, ही स, uh, मतलब अहमियत देती हूँ इस चीज़ को इस पॉइंट को हमारी आइडियोलॉजी भले ही एक दूसरे से फ़र्क हो मैं किसी और आइडियोलॉजी को मानती हूँ आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है लेकिन हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी आइडियोलॉजी आपके साथ है मेरा मेरे साथ है लेकिन हम एक को कैसे हो सकता है हमें एक ही जगह पर रहना है तो हम इस पर वर्कआउट करना चाहिए कि हम आप ऐसा कुछ ना करें कि आपके साथ इनजस्टिस हो और आप ऐसा कुछ ना करें कि हमारे साथ इनजस्टिस हो कि जब तक हम अपने एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए और मुझे लगता है कि दूसरे के एग्जिस्टेंस को वैल्यू देना चाहिए दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट अब ये बताइए आप लोग मुझे कि देश में शिया मुस्लिमों की यूपी की बात करते हैं शिया मुसलमानों के राजनीतिक झुकाव की बात होती है देखिए राजनीतिक झुकाव झुकाव की बात जहाँ तक है कि देखिए हम पूरी पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी जगह है कि जहाँ शिया जो है वो बैलेंस का काम करते हैं और किसी एक को दे दें दे को जीत जाए बहुत कम जगह वो कश्मीर वगैरह में तो हो भी सकती है करगिल जैसे है। लेकिन बकिया और हिंदुस्तान के बकिया और शूबों में और शहरों में कहीं ऐसा जगह नहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ हम जो है वो किसी एक कैंडिडेट को अपने बलबूते पर जिता सकें या हरा सकें हो सकता है थी थी संख्या हो हिंदुस्तान मुसलमानों की शिया मुसलमानों की तो छः करोड़ तो कहते हैं छः करोड़ तो अटिल बिहारी साहब ने भी कौम माइनॉरिटी में माइनॉरिटी एशिया कौम तो उस क्या होगी शिया कॉम की यूँ देखें जैसा कि उन्होंने बताया कि अप्रोसीमेटली सिक्स करोड़ तो हो ही सक, हैं ही पूरे मुल्क अटल बिहारी जी ने भी कहा था और यही मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि छः करोड़ लेकिन हम बंगाल से लेके और क्या कहते हैं आप हरियाणा तक और इधर जो है वो नॉर्थ में करगिल से लेके और मद्रास तक जो है वो हम हर जगह हैं और कम तादाद में लेकिन हमारे यहाँ सब है और ज़्यादातर पहचान जो है हमारी आज़ादारी और इमाम बाड़ों और इनसे होती है और पढ़े लिखे भी लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे यहाँ हुए राजा महाराजा भी हुए और बड़े बड़े स्कॉलर हुए और बड़े बड़े हिस्टोरियन भी हुए और आज भी हिस्टोरियन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हैं और जगह भी हैं और साइंस uh, में भी रहे हमारे यहाँ शियो में और उसमें जो इसलिम में भी जो है वो जजेज रहे चीफ जस्टिस रहे तो ये सब सारे जो है वो रहे हैं तो शिया कौम जो है वो इंतहाई पीसफुल कौम है और इंतहाई वो तो आप कह तो रहे हैं कि किसी एक को एक फेवर में होकर नहीं जिताते हैं वो आ, ये कोई नहीं देखिए हमारे साथ जो इंसाफ़ कर देखिए एक बात है ये दुनिया जो है वो आलम इसबाब है इस बात का मतलब ये कि एक दूसरे से सब कनेक्ट है समझ रहे हैं आपने हम जो है वो दुकान पर सौदा लेने जाते हैं तो हम धर्म नहीं देखते हम बस में सफ़र करते तो नहीं पूछते हैं कि ड्राइवर किस चालक है लेकिन मस्जिद में जो हो हमारा इमाम होगा उसको तो हम मदहब भी देखेंगे घराना भी देखेंगे और सब कुछ भी हो खूबसूरत भी हो सब कुछ हो और अगर करेक्टर उसका ऐसा नहीं या उसने अगर क्या कहते हैं एक पेंसिल भी अगर किसी की नाजायज़ चुरा कर रख ली हो तो फिर हम उसके पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हम हम खुद हैं हमारे नज़र इनकी नज़र में अगर ये मालूम हो जाए कि आम बात हो जाए कि हम अपने फैमिली पर जुल्म करते हैं या मौलाना जो है वो सुबह की नमाज जो है वो नहीं पढ़ते हैं ये गवाही अगर मिल जाए इनको औरतों को ये सब बैठे हैं तो ये हमारे पीछे हैं जिन जिनको मालूम हो गया नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं समझें तो हमारी कम्युनिटी जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि सबको इंसाफ़ मिले सबको हम जुल्म के खिलाफ हैं हम बरबरीत के खिलाफ हैं हम कास्ट वार के सख्तरीन मुखालिफ हैं देखिए और हम जो है वो क्या कहते हैं पिछड़े सबको ले कर चलिए सबको लेकिन सिर्फ नारा देने से जो है वो काम नहीं चलेगा देखिए हिंदुस्तान में दो तरीके से पहले पॉलिटिकल एतबार से जो है वो मुख्तलिफ कमों में दंगे कराए गए समझे आपने हिंदू मुस्लिम राइट कितने हुए ले गया ये कि शियों से इसलिए नहीं होता कि हम कसाई हैं नहीं हम गोश का कारोबार नहीं करते अच्छा शिया मुस्लिम गोश का कारोबार नहीं करते नहीं क्या नहीं करते सर गोश्त का कारोबार हमारे यहाँ नहीं है सोनारी का काम बहुत ही कम है लेकिन गोश्त का कारोबार हमारा तकरीबन नहीं है लेदर का काम हमारे यहाँ नहीं है समझ रहे हैं तो अब यह कि मतलब यह कि गोश्त का मामला आया तो वो गाय या किसी ने काट दी या काट दी तो अब इस पर झगड़ा हो गया होता ही है तो उसमें हमारा लेकिन हमें हमारे यहाँ इसीलिए जो हमारे लमा ने जो है वो पहले ही बहुत पहले फ़तवा दे दिया कि हिंदुस्तान में गाय का को काटना जो है वो जायज़ नहीं है और क्या कहते हैं ये या जहाँ भी एहतराम की नज़र से अगर देखते हैं वो लोग Uh, किसी जानवर को गाय को तो आपने और इस्लाम भी कहता है कि आप गाय का गोश मत खाएँ गाय दूध देने के लिए है और उसका जो है वो गोश्त जो है वो आपकी बीमारी पैदा करेगा तो इसलिए हम चाहते हैं कि जिस का कम्यूनिटी में हमने जिस पार्टी में हमारी रह गया ये है कि क्योंकि देश की आज़ादी में और आंदोलन में भी सब ने मिल जो है वो योगदान किया है सब मैं उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने अठारह की गदर लड़ी सुल्तानपुर हमारे बुज़ुर्गों ने फांसी का भी उनको हुक्म हुआ और फिर उसके बाद भी हमारे दादा भी रहे लेकिन तो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे समझ आपने लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के मुकाबले में दो पार्टियां आई एक पार्टी आई जो है वो आर एस एस आई और एक पार्टी आई जो है वो कम्युनिस्टों की आई कम्युनिज्म को जो है वो इस्लाम जो है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता देख लीजिए कि कम्युनिज्म को आयतुल्ला खुमी ने कहा था गोर से कि एक दिन वो आएगा कि कम्युनिज्म को हिस्ट्री के जो है वो क्या कहते हैं लोग तलाश करेंगे तो वो उन्होंने बता कि देखिए टूट गया रशिया बिखर गया उसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं आरएसएस का आरएसएस के जो विचारधारा थी वो आपको हमसे ज़्यादा मालूम है और उसको वो कहाँ से मालूम होगी क्योंकि मतलब उसमें तो 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 मीडिया में है सुनिए आप मीडिया में हैं सुनिए मीडिया में है और इस तरीके के उन्होंने जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया मैं बहुत ही जरूरत के साथ कहता हूँ कि आप एस ने जो है वो इसराइल के एजेंडे को प्रमोट किया जो इंद्राइल के एजेंडे को प्रमोट किया है बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट में को, को प्रमोट किया है बि, बिल्कुल जाइनिज्म को जो है वो प्रमोट किया और उन्हीं के ऊपर आपके अफसरान वहाँ जाते रहे आपके अपने हमारे हिंदुस्तान के अफसरान वहाँ जाते रहे हमारे मिनिस्टर यहाँ के जाते रहे आर के वो बीजेपी के और वहाँ जा कर उन्होंने जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग ली और उनको यही जो है वो क्या कहते हैं ब्रेन वाश किया गया कि आप जो है वो मुस्लिम कम्यूनिटी को जो है वो मत भरने दें और आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो लोग ये भी जानना चाहेंगे सुन लीजिए ले, सुन लीजिए ये भी जानना चाहेंगे कि आप इसराइल पर बात कर रहे हैं तो हमास और फलस्तानीन पर क्या पक्ष है हमास और फलस्तन का वही हमारा मौकफ़ है जो गांधी जी का था गांधी जी ने क्या कहा था जब उन्होंने लिखा था इस ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने नाम उसका मैं भूल रहा हूँ तो गांधी जी ने कहा कि जैसे जो है वो इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और जैसे फ्रांस जो है वो फ्रेंच का है वैसे ही फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है हम 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 जुल्म गांधी जी के साथ खड़े हैं गांधी जी के साथ तो आप लोग आप लोग इससे आप लोग इससे वाकिफ़ हैं जो कह रहे हैं उससे रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को कि आपके लोगों की राय अलग है और ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बोल रहे हैं आप लोग जो भी जाएँ मुझे बुला सकते हैं मैं आपके पास आऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग बोलें जी मैम नाम बताइए अपना कहना है कि जी जी मेरा कहना है कि इसराइल जो कर रहा है जो भी इनोसेंट किलिंग हो रही है उसको कहीं भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता चाहे इसराइल करे या हमास करे इनोसेंट किलिंग को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जब आप एक गलत को जस्टिफाई करते हैं तो फिर अगर आपके मुल्क में भी वही होता है तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते तो इसलिए आपको मुझे नहीं लगता कि आपको इनोसेंड किलिंग को जस्टिफाई करना चाहिए जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए दो गलत एक सही नहीं कह कर सकते ये हमेशा सोचना चाहिए और पॉलिटिक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे दिमाग में जवाब जी, दे दूँ कि जो अभी बात हो रही है कि ये शिया सोनी आपसे लोगों ने पूछा यहाँ होता है बट नॉट हिंदू मुस्लिम

वो खुल करके जो है बीजेपी के साथ है हमेशा रहा है और मैं समझता हूँ कि रहेगा क्योंकि बीस साल से लखनऊ में जो शियों के जुलूस निकलते हैं मुहर्रम में आज़ादारी के वो बैंड थे कल्याण सिंह की जब सरकार थी जब वो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी तो उन्होंने 20 साल के बाद लखनऊ में आज़ादारी के जुलूसों को खुलवाया था हाँ नहीं तो मुझे लगता है कि देखिए शिया सोनी दंगे होते थे लखनऊ में होते थे इट इज़ हिस्टोरिकल फैक्ट हुए हैं लेकिन उसकी वजह भी देखिए उस वक़्त लोग जो कुछ लोग थे वो पावर के लिए कि शिया कम्युनिटी तो उसका भी एक नेता चाहिए है ना सुन्नी कम्युनिटी का एक चाहिए एक नेता होना, होना, चाहिए। होना चाहिए पावर बैलेंस हमें एक नेता बनना है हमें अपने को आगे बढ़ाना है लेकिन अब जनता समझने लगी हल्के हल्के शिया कम्युनिटी इस बात को समझने लगी तभी 2022 में मैंने बहुत करीब से देखा जगह जगह मुस्लिम एरिया पे, जहाँ भी इलेक्शन के बाद जब बैलेट पेपर गिने गए काउंट हुए तो वहाँ पर यही आया कि वहाँ पर शिया कम्युनिटी में वोट नहीं गए थे इस तरह से किसी मौलाना के कहने पर कम्युनिटी ने वोट नहीं दिए थे मौलानाओं सब... की कॉल थी क्या क्या कॉल थी मौलाना अगर कोई मौलाना कहता कोई मैं कहती हूँ सब नहीं है ऐसे जाहिर है बारातर मौलाना तो यही कहते हैं कि आप अपने दिमाग से अपने जहन से सोच के दीजिए लेकिन कुछ लोग अगर कहते हैं डोंट यूज़ योर माइंड बट यूज़ वॉट आई से तो हमारी पब्लिक हमारी कम्युनिटी उसको बिल्कुल उस डिक्टेट को फॉलो नहीं कर रही है अगर ये कोई सोचता है कि इनके ग्रिप में कम्युनिटी का कुछ हिस्सा है तो नहीं में ग्रिप में ब्लेट्स, ब्लेट्स भी वोकल। कोई मौलाना अगर है कोई मैं कह रही हूँ कोई मौलाना है अगर मौलाना, कोई मौलाना है कोई नेता है किसी कम्युनिटी का एरिया का नेता जो कह रहा है हम आपके नेता हैं। हम शीयों के नेता हैं हम सुन्नी के नेता हैं हम अंसारी का लीडरशिप जो उब अब ये कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, ये कहीं कुछ नहीं ना मौलाना ना लीडर किसी का नहीं अगर तो आप काम करते हैं उनके बीच जाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनके मुद्दों को वोकल होके उठाते हैं उनके साथ खड़े होते हैं लामबद होते हैं तभी जो कम्युनिटी है लोग हैं वो जनता है वो वोट देती है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चन हो एक सवाल ये है कि आप ये काम जो है वो क्या कहते हैं माफ़ कीजिएगा मैं मीडिया से पूछता हूँ आप क्यों नहीं पूछते कि हिंदू किसको वोट देगा आ, आप 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 आप, आप 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 पूरी हिंदुस्तान में जाते हैं आप किसी से पूछते हैं कि हिंदू किसको वोट देगा मैं आ, आ, मैं जवाब दूं आप आप अपना इंडिविजुअल जवाब देंगे ना मैं दूंगा ना हाँ तो सुनिए मालूम है कि आप कहेंगे कि भाई जिसका मैं फला पार्टी को दूंगा मेरा भाई फला पार्टी को दे वैसे ही हमारी शिया कम्युनिटी में हमारे ने क्योंकि ये सुनिए ये पॉलिटिक्स से क्या सुनिए तो मीडिया से नहीं हम आम बात कह रहे पूछें तो मैं सारी कम्युनिटीज के बीच में जाता हूँ मैं दलितों के बीच में जाता हूँ मैं ओ के बीच में जाता हूँ मैं ब्राह्मणों के बीच में राजपूतों के बीच में सबके बीच में जाकर पूछता हूँ कि किधर उनका पोलिटिकल थिंकिंग किस तरफ लेके जा रहा है बस इसी तरीके देखिए शिया कम्युनिटी में आप जहाँ तो कास्टवार में बटे हुए हैं और इसी तरीके से शिया कम्युनिटी में भी हर कास्ट के लोग हैं अंसारी भी हैं और उसके बाद शेख भी है और उसके बाद ठाकुर भी है राजपूत भी है पंडित भी हैं जो क्या कहते हैं शिया कम्युनिटी शिया हुए हैं इसी हिंदुस्तान में लेकिन वो वो कभी हमने ठाकुरवाद नहीं किया मैं ख़ुद मैं मैं उसी ख़ानदान से हूँ राजपूत थे हमारे बुज़ुर्ग हैं लेकिन हमने कभी जो वो कहा हम ये देखते हैं क्योंकि हमने दीन और सियासत जो ली है वो अपने इमामों से सीखी और उसके बाद हमारे जो वरिष्ठ और जो क्या कहते हैं ग्रेट आयतुल्ला जो हमारे यहाँ थे उन्होंने जो हमको बताया उस तरीके से हमको हर मुल्क में ये सिखाया कि जिस मुल्क में रहिए आप उस मुल्क के कानून को फॉलो करना आपके ऊपर जो है वो ज़रूरी है हैं आप आप कानून की ख़िलाफ़वर्जी नहीं कर सकते हती कि आप जो है वो रेड सिग्नल भी नहीं तोड़ सकते तो हम उसको फॉलो दें। इसी तरीके से वोट के मसले में जिसने जिसने कमेटी को बांटने की कोशिश की जिसने जो वो मैं उसको नहीं देता गोरों ने जो है वो हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई के बाद की बात करिए सर के ज़माने से ये जो शिया सुन्नी हिंदुस्तान में कभी नहीं लड़ते थे ये जो क्या कहते हैं जब किताब लिखी गई तो फैसनाशरिया दिल्ली में अब्दुल अज़ीज़ दहलवी ने लिखी उसी के पास से जो है वो डिवाइड हुई हमारे ने उसके इलमी जवाब लिखे वो सब अलग चीज़ें हैं वो इलमी तय दुनिया की और जो है वो रिसर्च का वर्क है लेकिन हम हम हमेशा अपनी कम्यूनिटी में हमने कभी बाईफोर्स कोई चीज़ नहीं मनवाई है हमारे यहाँ ये कि आपको हर बता देना है कि यह सही है यह गलत है हम तालिबानी फरमान नहीं है कि तालिबान की तरीके से जो है वो दाढ़ी नहीं रखोगे तो वो लाटाइन का शीशे में जो है वो दाढ़ी डाल के दिखवा रहे हैं कि अगर बाहर निकल आएगी तो जो है वो छोड़ देंगे और अगर शीशे के अंदर जो है वो दाढ़ी रही तो चुकोड़े मारते हैं ऐसा हमारे यहाँ नहीं है या पाकिस्तान में जिस तरीके से ज़ियाउल हक के ज़माने में था कि जो मतलब ये कि कोड़े मारे जाते थे हम लोगों ने कभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं अपनी कम्युनिटी को कहते हैं आप देखें आपके इलाके में मान लीजिए कि क्या कहते हैं कोई कम्युनिस्ट नेता है कम्युनिज्म को हम नहीं मानते इस्लाम के अगेंस्ट सतम है लेकिन हमको दुनिया में रहना है जैसे हमने बाना कि हवाई जहाज़ के पायलट का मज़हब हम नहीं पूछते रेल के ड्राइवर का बता दिया तो, हाँ। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि अगर आपके इलाके में कम्युनिस्ट जो है वो बहुत उसने काम किया है और आपकी पॉपुलेशन वहाँ के हर मज़हब का आदमी वहाँ पर रहता है तो अगर वो जीत रहा तो आप उसको जिताएं और वो काम करे तो काम करने वाला चाहिए और जो डिवाइड करे और कौम को लड़ाए माफ़ कीजिएगा ये तल़ हकीकत आज हिंदुस्तान जिस कोने पर खड़ा हुआ है अगर आपने उसको जो है वो आप मीडिया वाला जो हिंदो जो कहते हैं डेमोक्रेसी का फोर्थ जो है वो सुतून है अगर इसने जो है वह अपना अहम रूल रूल ना अदा किया तो वही हिसाब है कि का इकबाल ने कहा था कि न मत समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में अच्छा अब ये बताइए मुझे कि मैं फिर से पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पे आ रहा हूँ मैं देखिए मैं एकदम पत्रकार आदमी हूँ मुझे साफ शब्दों में बात करने के आता था मैं पार्टी की बात हूँ मैं पार्टी का नाम लेके बात करता हूँ ठीक है अगर आप बांटने वाली जोड़ने वाली तोड़ने वाली तब चीजें तो मैं वहां पर पार्टी का नाम लू लूंगा अब मैं शिया मुसलमानों में शिया मुसलमानों की पॉलिटिकल थिंकिंग में क्यों इतना इंटरेस्टेड हूँ क्यों क्या बात हो रही है क्योंकि बात हो रही है वसीम रिजवी की वसीम रिजवी नाम का एक व्यक्ति आता है आ, फलक पे मुझे फोन आ रहा है बार बार ये यूनिवर्सिटी से तो वसीम रिजवी नाम का एक व्यक्ति का नाम लूंगा ठीक है यहाँ पे शिया वक्फ बोर्ड बनाया गया शिया वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन बना हुआ व्यक्ति उसने पता नहीं क्या किल्लम गलम काम किया ठीक है लेकिन अपनी आइडेंटिटी में उस वक्त तक तो वो एक मुसलमान था एक शिया मुस्लिम था एक शिया बॉडी का एक चेयरमैन तो था वो है कि नहीं उस वक्त तो था फिर बाद में उसने अपना धर्म परिवर्तन किया जितेंद्र त्यागी बन गया फिर वो बीजेपी के फोल्ड में दिखने लगा उस पूरे हिंदुत्व के फोल्ड में दिखने लगा फिर एक 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 रीजनिंग शुरू हुई कि मुसलमान किसके साथ हैं फिर ये रीजनिंग शुरू हुई कि शिया मुसलमान किसके साथ हैं फिर ये रीजनिंग समझ में आई पता नहीं आई डोंट नो इफ़ यू वुड गाइज एग्री विद मी और नॉट आई डोंट नो लेकिन मेरा ये कहना है कि ये 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 समझ में आई लोगों को कि शिया मुसलमानों का यूपी में खासकर एक बड़ा फैक्शन है जो बीजेपी के साथ खड़ा है अब मैं उन वकील साहब की बात का फिक्र फिर से जिक्र करूंगा उनका कहना था कि साहब यहाँ पे शिया सुन्नी दंगे हुए थे इस वजह से मुहर्रम का जुलूस बंद हो गया था मुहर्रम शिया समुदाय के लोग मनाते हैं उन वहाँ पर उसमें उस पूरे मा, माह मुहर्रम में मातम करना और तमाम जो आपके की रवायतें होती हैं उनको ऑफ तो प्लीज़ सर प्लीज़ करेक्ट देखिए लखनऊ में आज़ादारी के जुलूस जो है वो हर गवर्नमेंट के ज़माने में प्रोसेशन जो है वो जुलूस मुहर्रम के निकलते रहे पहले आज़ादी के बाद से कांग्रेस के ज़माने में निकलते रहे कांग्रेस के बाद जो है वो जब क्या कहते हैं मतलब ये कि पैंतीस साल छत्तीस साल कांग्रेस ने हुकूमत की और उसके बाद सबसे पहला जो है वो ओपन दंगा हमारी लाइफ में हम तिरसठ साल हो रहे हैं होने आ रहे हैं सबसे पहला दंगा जो है वो इसी इलेक्शन में हुआ और कॉर्पोरेटर के इलेक्शन हुआ हमारे इलाके काजमैन में यह पोलिंग बूथ थी क्या किस साल की बात है ये जो है वो सेवेंटी सिक्सटी नाइन के करीब है सिक्सटी नाइन में उसके बाद ओपिन झगड़ा सिक्सटी नाइन में बहुत बड़ा राइट हुआ लखनऊ में शिया सुन्नी और उसमें शिया काफ़ी लोग मारे भी गए और उसमें गोलियाँ भी उनके ऊपर बरसाई गईं और जुलूस पर प्रोसेशन पर बाकायदा हमला किया गया उस वक्त तक शिया सुन्नी आबादी मिक्स थी सुन्नी शिया में रहते शिया सुन्नी में आबादी में रहते हम काजमैन में उसके बाद क्या कहते हैं चरण सिंह की गवर्नमेंट थी चरण सिंह चीफ मिनिस्टर थे और बहुत स्ट्रांग आदमी था आयरन मैन था उसने जो है वो फिर इसको जो है वो जुलूस फिर बहाल करा दिया और उन्होंने इनके फ़ादर कालब साहब थे जेल में और ताहे जरवली साहब थे वो भी बहुत ज़बरदस्त ऑरेटर थे और शिया कॉलेज के जो है वो सक्रेटरी थे जो जी। जी। शिया कॉलेज इनको जेल में बन के और सुन्नी लीडरशिप में भी लोगों को सुन्नी लीडरान को भी बन के फारूकी और कौन कौन को उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग जो है तय करके नहीं निकलेंगे कि हमको बाहर नहीं निकला है और आपका जुलूस है और बाया वार्ता अब जुलूस से लेकिन वो जुलूस को उन्होंने जो है मुहर्रम के जुलूस को उन्होंने निकलवाया और मदे साहबा का जुलूस जो है वो चरण सिंह ने नहीं का जो होता था पहले वही होगा ठीक है फिर आगे चल के बंद कब हुआ बाद होता रहा फिर फिर उसके बाद चौहत्तर में राइट हुआ फिर चौहत्तर के बाद जो फिर अठहत्तर में राइट हुआ अठहत्तर के बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब जुलूस निकलेगा वहाँ भी हजरात ने देखिए सुन्नी ताज़िय भी करते हैं सुन्नी की बात नहीं करो वहाँ भी हजरा जो सऊ सऊदी अरबिया है हैं तो उन लोगों ने जो है बाकायदा कहा जब जुलूस निकलेगा तब हम हमला करते थे कई लोग मारे गए मकानात जले आबादी डिवाइड हुई उनहत्तर से लेके और चौहत्तर उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं ये हर गवर्नमेंट ने जो अपने दौर में जो है वो जुलूस को निकलवाया है और जो उसमें जो है वो फिर जो है वो कांग्रेस के बाद जब कांग्रेस नहीं आई बाबरी मस्जिद से के मसले के बाद ताला खुलने के बाद भी कांग्रेस पलट के नहीं आई समझ रहे और उसके बाद ये भी एक हम शिया कम्युनिटी और हमारे दिल की बात है कि कांग्रेस से ब्लंडर गलती जो है वो यही हुई कि उन्होंने ताला खोला तो यूपी में फिर वो पलट के आवा नहीं पाए अब वो क्या मामला था वो जानने उन्होंने जो किया गया वो वो आप फिर उसके बाद जो है वो जो भी गवर्नमेंट आई उसने आज़ादारी के जुलूसों को बाकायदा जो है वो जो है वो निकलवाती रही कि जैसे होता था वैसे स, उसके बाद जो है वो जो क्या कहते हैं तीन जवानों ने मायावती की गवर्नमेंट में सेकंड पीरियड जब थी अकेले तो उसमें जो है वो तीन आदमियों ने अपनी जान जला के अपने को खुदसोज़ी सु, सु, की और उसमें वो शहीद हुए और उसके बाद जो है वो इसको फिर पूरी कौम जागरूकता हुई हमने पास बासठ दिन तक हम यंग टीम में थे शिया कम्युनिटी के और हम लोगों ने इसको जो है आंदोलन को चलाया और कोई उस पर सिर्फ़ यंग टीम में थे हम लोग नाम भी ले लेता हूँ मैं मैं जहीर अहमद इफ्तारी था उसके बाद अब्बास अरसाद साहब थे या मिसम जैदी साहब थे और क्या कहते हैं मुतकी जैदी थे यासूब अब्बास थे और जो है वो इस तरीके से हम लोग ने बोर्ड में थे। बोर्ड में थे पर्सनल पर्सनल लॉ लॉ बोर्ड बोर्ड है के भी फाउंडर मेंबर हम भी हैं फाउंडर हम भी हैं बना तो बहरहाल उसके बाद फिर जो है वो सब जुड़ते चले गए फिर इनके फादर आ गए फिर नई कमेटी बनी जब हम लोग जेल में चले गए तो इस तरीके से जो मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं अब तीन आदमी की जान जा चुकी है तो बीजेपी ने कहा कि नहीं अब वार्ता बराबर होगी श्री राम अरुण साहब जो डी थे वो लखनऊ के जो है वो समझिए एक एक फ़र्द को जानते थे और लखनऊ के दंगे सारे अफसरान उनके सामने के जो वो जूनियर थे वो कांग्रेस के पी, पीरियड में भी मेरे ख्याल तो रहे थे या नहीं अठहत्तर से 77 से अठहत्तर से थे वो मतलब एस पी रहे एस पी वो वो बा, बाकायदा बजीद रहा है कि नहीं इस मसले को अब हल करना है कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने कल्याण सिंह ने जब हम आखिरी मुलाकात हुई है निकलने के बाद सुदाकान साहब ले गए थे उसमें इनके वालिद कलब सादक साहब थे मैं था हमीदुल हसन साहब थे आगरुही साहब थे कल्बे जवाज़ साहब थे एमिन ताहिर साहब थे शायद जावेद मुर्तजा साहब भी मेरे खाला फ़ोटो मेरे पास है बहरहाल तो यूँ उसने कहा कि हर मसला पॉलिटिक्स में नहीं हल किया जाता मैंने इस मसले को हल करने के लिए आस्था का को हवाला दिया कि आप लोग अपने आस्था के ऊपर इस मसले को हल करिए हमारी जो है वो कम्यूनिटी ने जो है वो उसको आस्था के बलबूते पर बहरहाल हल हुआ ये मामला और उन्होंने क्या कहते हैं जुलूस तो हमारे निकलते ही थे और ऊपर बीजेपी लेकिन ये कि जब एक इंट्रीम जुलूस निकाला उन्होंने मुसलसली हज़, वहाँ भी हजरात ने अपना एक जुलूस निकाला बग़ैर नाम के और शिया उस अपना आजादारी के नाम का जुलूस निकाला उसके बाद वार्ता होती रही और देश दीपक वर्मा भी कमिश्नर थे वो भी थे और डी श्री राम अरुण थे उन्हीं के पीरियड में ये हुआ कल्याण सिंह के पीरियड में ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया ये और बात है कि उस एग्रीमेंट से हम उस वक्त राजी नहीं थे कि नहीं देना चाहिए था लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो हाँ जवाब हाँ। हा हाँ। लंबा सा दे दिया मैं सवाल फिर से पूरा कर लूँ सवाल ये है कि अब उनके तर्क ये थे कि कल्याण सिंह ने इस पूरे सेटलमेंट को जिसको वो कह रहे थे कि बैन हटाया आप कह रहे हैं सेटलमेंट आया जो भी है इस वजह से हमको उस समय लगा कि किसी ने तो हमारे लिए स्टैंड लिया किसी ने मुहर्रम के लिए शिया समुदाय के लिए शिया समुदाय का जो रिलीजियस बिलीफ है उसके लिए स्टैंड लिया तो हम आ, हम उससे और इंक्लाइन हो रहे हैं हम उस और इंक्लाइन हो रहे हैं हम उन बीजेपी की ओर झुक रहे हैं फिर बाद में उनके अपने इल्ज़ाम हैं समाजवादी पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव की सरकार पर आज़म खान पर उनके अपने इल्ज़ाम हैं तो वो जो हैं सो हैं वो बोलते हैं हम पे लाठी चार्ज करवाया हमारे पे लाठियाँ चली पुलिस ने हमको मारा लेकिन जो उनका ये कहना है कि जो लोग खासकर यूपी में मुसलमानों की पॉलिटिक्स करते रहे मुसलमानों के हिताशी बन के पॉलिटिक्स करते रहे उनके तर्क ये थे वो हमारे साथ ऐसे खड़े थे हम वो हमारे साथ ऐसा काम कर रहे थे तो हम उसके साथ साइड हो गए जो कम से कम हमारे लिए कोई एक तो उद्धार कर रहा था जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं देखिए जो जो ये तर्क देते हैं कि उन्होंने मेरी आज़ादारी खुलवाई तो उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहिए ये आज़ादारी बंद किस वजह से हुई कोई भी समाज हो कोई भी मज़हब हो सब मिलजुल के रहना चाहते हैं लेकिन उसमें जो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं वो वहाँ पे तफरक़ा पैदा करते हैं वो चाहते हैं आप अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष में देखें तो यहाँ पे दो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य जहाँ से ज़्यादातर अली जहीर साहब काफ़ी साल तक एम रहे लेकिन क्या होता था तो उसको शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान सब मिल के वोट देते थे कुछ लोगों को लगा कि हम यहाँ की सीट नहीं जीत पा रहे थे उन्होंने एक एक चाल जिसको मैं चाल ही कहूँगा ऐसी चाल चली कि उन्होंने कुछ इधर के लोगों को अपने साथ जोड़ा कुछ उधर के लोगों को अपने साथ जोड़ा और आपस में वो डिवीज़न पैदा किया उस डिवीज़न की वजह से ये हुआ आप देखिए फिर आ, वो सीट मुस्तकिल दूसरी जमात के पास जो कभी वहाँ से जीत नहीं पा रही थी उसके पास वो लगातार वो सीट रही लेकिन अभी जा करके अभी आपने देखा दो हज़ार बाईस में क्या हुआ वही जो सो कॉल्ड बहुत से मौलाना खड़े हो जाते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं उन्होंने कितनी अपीलें की क्या असर हुआ उसका उनको अपने पोलिंग वोट बूथ के ऊपर पाँच वोट नहीं मिले तो मौलानाओं को इतनी क्यों चिंता है बीजेपी कुछ मौलानाओं को बीजेपी सर 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 आता हूं, सर आता हूं, सर आ, दो मिनट में आप लंबा समय ले लेंगे सर, सर, सर के? को कम्युनिटी की चिंता नहीं है वो खुद अपने को अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं पावर में लाना चाहते हैं अपनी इमीडिएट फैमिली को अपने अपने दोस्त अपने एक ग्रुप को और कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है उनको एक पैसे का नहीं ले देखिए कम्युनिटी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2006 उसके बाद रंगनाथ जिसको मैं सबसे अच्छा समझती हूँ रंगनाथ दो में आई थी उन्होंने सलूशन दिया था सच्चर कमेटी एक डॉक्टर की तरह डायग्नोज किया था और रंग ने सल्यूशन दिया था कि ये ये करना चाहिए तो सरकारों को वो काम करना चाहिए था क्या मौलानाओं ने इस बात को उठाया या मुस्लिम लीडरशिप ने उठाया मैं मुस्लिम लीडरशिप को भी कहती हूँ किसी पार्टी की बात नहीं किसी लीडरशिप ने उठाया देखिए ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा है रेलवे के पास है डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास है

हमारे जिनका इनके वालिद साहब ने डॉक्टर कल्ब सादिक साहब पद्म भूषण भी उनको मिला उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इतिहाद की बात करी चाहे वो शिया सुन्नी इतिहाद हो चाहे हिंदू मुस्लिम इतिहाद हो उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले आपका लॉ कॉलेज है आप लोगों ने इंटर कॉलेज खोला डिग्री कॉलेज खोला क्या हुआ उससे हमारी जो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है जो हमारे दो चीज़ें मेन प्रॉब्लम हैं एक एजुकेशन की दूसरी रोज़गार की आप जब तक पढ़े लिखेंगे नहीं अपनी कम्युनिटी को आप उनको ना रोज़गार दे नहीं सकते तो उन्होंने जो बेसिक्स थी उस पर काम किया उस पर क्या हुआ हमारे बच्चे पढ़ लिखे लिखे निकले वो जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो वो इन सब शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम इन सब में नहीं पढ़ता है वो अपने रोज़गार की तलाश करेगा आज देखिए कितने आरी जरदोजी वाले हैं हमारे जो सो कॉल्ड बहुत से मौलाना उलमा हैं सो कॉल्ड में उलमा कहता हूँ उनको उनको इसकी चिंता नहीं है आरी जरदोजी वाले पूरी पूरी रात काम करते हैं और उनको दो से तीन सौ रुपये मिलता है उनको अपने जीवन यापन करने में दिक्कत होती है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो उनकी उनके लिए आप उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं आप लड़ाई किस चीज़ की लड़ते हैं शिया हम शिया कम्युनिटी को लेकर के खड़े हो जाते हैं उधर से दो लोग सुन्नी कम्युनिटी को लेकर के खड़े हो जाते हैं और आपस में तफरक़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है जो और मैं मेरा मैं फिर वही कह रहा हूँ ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं कहीं से गवर्न होते हैं इनसे इलेक्शन से कुछ दिन पहले कहा जाता है अब आप ये पॉइंट उठाइए जिससे दोनों कम्युनिटी में आपस में क्लैश हो लेकिन पिछले कस कुछ सालों में आप देखिए इसमें बहुत गिरावट आई है मैं जैसे मैंने आपको 2022 को उदाहरण दिया और 2019 में भी राजनाथ सिंह जी यहाँ पे लड़ रहे थे लेकिन आप चेक करवाइए आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे थे हाँ। जो शिया शियाबूथ से आचार्य प्रमोद कृष्णन को ही वहाँ पर वोट मिला तो ये जो ठेकेदार बने हुए हैं ना इनके मोह के ऊपर वो तमाचा था और ये तमाचा इस बार फिर लगने वाला है वो अपने वो वोटिंग वोटिंग राइट्स राइट्स पे पे मैं पे मैं कोई कोई कमेंट करना चाहती हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और जुलूस के ताल्लुक से जो बात आपने जिस पर आपने डिस्कशन शुरू किया था आपका जो सवाल था फसाद का पहलू तो उन्होंने बता दिया कि वो पॉलिटिकल होता है कि जो भी फसादात होते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई होती है और जुलूस के ताल्लुक से मैं कहना चाहूँगी कि लखनऊ में मुहर्रम का कोई भी जुलूस किसी भी आ, सियासी पार्टी की देन नहीं है जो यहाँ पर आ, फसादात हुए जिस वहाँ हिस्ट्री ये थी कि पहले जो जुलूस उठते थे फिर उसके बाद फसाद हुए और जब फसाद हुए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलूसों के ऊपर बैन लगा दिया जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जुलूसों पर बैन लग गया तो यहाँ की जो आवाम थी वो आ, प्रोटेस्ट में मतलब उसके लिए एक पीसफुल एहत करने के का लोग इन गिरफ्तारियों में हिस्सा लेते थे और उनको गिरफ्तार किया था था, फिर ले जाकर के छोड़ दिया जाता था यह सिलसिला चलता रहा उसके बाद कोर्ट में केस किया गया आ, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उससे पहले ही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है शायद नेहरू ब्रिगेड थी या गॉड नोज़ कुछ ऐसे ही नाम था कि जिसकी तरफ से वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में उस वक़्त जो है वो जज साहब ने हाईकोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि लॉ एंड ऑर्डर को वो करके और दर्शन की परमिशन दी जाए तो जब वहाँ पर क्योंकि जो अयोध्या के जो हालात थे उस वक़्त डिबॉलिशन के बाद और जब जब उनको परमिशन दी गई तो उसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जो रिट की गई थी हाई कोर्ट में कि यहाँ पर भी यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना इजी है वहाँ के कंपैरिजन में तो यहाँ पर भी जुलूसों को उठवाया जाए और हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शन दिया था कि वह दोनों पक्षों को बुलाएं मीटिंग करें और जुलूस उठवाएं तो इसके बिना के ऊपर वो एडमिनिस्ट्रेशन बुलाता था दोनों पक्षों को बुलाया जाता था उसमें जैसा कि इन्होंने कहा कि कुछ बिके हुए लोग भी होते थे कुछ अपने मफाद वाले भी होते थे तो वही चीजें चलती रही और उसके बाद फाइनली जुलूस उठे तो उसमें किसी सियासत का कोई दखल नहीं है और, और, अगर ये कहे जुलूस की बात करें तो बेसिकली वो जुलूस क्या है वो एक प्रोटेस्ट है जिसको वो जुलूस का कहता है कि वो प्रोटेस्ट है किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है अच्छाई का प्रोटेस्ट बुराई के खिलाफ ठीक है चौदह सौ साल पहले आप वाकिफ़ होंगे उस हिस्ट्री से कि जुल्म के, के ख़िलाफ़ और जो बरबरीत थी यजीद की उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहत्तर लोगों ने उसको चैलेंज किया और उस टाइम उनको कत्ल किया गया उनको शहीद किया गया लेकिन वो उसके आगे झुके नहीं तो आज जो लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुलवा दिया अरे आप इसका मतलब आप जालिम के साथ हैं जो जुल्म कर रहा है जो जो वो लोग जो आपस में लड़ा रहे हैं अगर आप उनके साथ हैं तो इसका मतलब आप के जालिम के साथ हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो तो तो है। तो है। कल नहीं, तो, भी आ, नहीं। तो, मुख, तो आप ही हो गए ना करी है नहीं साथ इनकी एक बात की हम तायद करते हैं कि इन्होंने फलस्तीन की हिमात करी हम भी करते हैं सभी करते हैं उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है दूसरा ये कि आप भारतीय जनता पार्टी और आर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं कौन आप, मैं, जी। मैं या मीडिया। आप? मैं, कहें है। लल्लन बताइए हिंदू मुसलमान लल्लन शिया सुन्नी ओ या दलित क्या लल्लन कौन है बताइए आप बताइए

देखिए सर मैं आपको फिर से बता दूं शायद आपके अरे नहीं दूसरा अरे पहली बात पे तो बात हो जाए सर आ अरे ना पहले बात वही जिम्मेदारी पे ही आ रहा हूँ मेरी मेरी जिम्मेदारी नहीं नहीं सर मैं मैं अरे प्लीज़ अरे सर मेरे पास भी माइक है थोड़ा बस मुझे अरे सर ऐसा नहीं मैं सबको बोलने दिया है आपकी बारी नहीं आई सर आप हमको गोदी मीडिया बोल दीजिए उनकी बारी बारी ना आए मुझे कुछ और बोल दें और मुझे सर मुझे कोई मुझे मुझे ललन खास नहीं सर इसका नाम है लल्लन ललन क्या है ये ललन मत पढ़ी टॉप पढ़ी है पहले आप ललन का पॉइंट ही मिस कर गए। तो सुन तो लीजिए क्यों मैंने इस पूरी बातचीत की शुरुआत में जब मैं यहाँ खड़ा होकर इंट्रो दे रहा था तब मैंने कहा कि इस देश में परसेप्शन है क्या परसेप्शन नहीं है आप लोग इससे इनकार करेंगे परसेप्शन है इसलिए मैं बातचीत करने आया इस देश में परसेप्शन है मेरे परसेप्शन को इस परसेप्शन को और थोड़ा सा ज़्यादा हवा मिलती है जब मैं आज कचहरी में कुछ लोगों से मिल के आया उनका ये कहना है इस देश में मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा अगर मैं हैदराबाद जाऊंगा तो वहाँ पर भी मैं ये बातचीत करूँगा अगर आप ये कह रहे हैं सर तो इस देश में आ, पार्टियां टिकटों का बंटवारा जातियों की जातियों का वर्चस्व देख के करती हैं किस विधानसभा में कितने कितने दलित हैं कितने शेड्यूल कास्ट हैं कितने शेड्यूल ट्राइब हैं कितने ओबीसी mm. हैं कितने ओबीसी में भी सब्सेक्ट कितने उस हिसाब से पार्टियां विधानसभा में टिकटों का बंटवारा करती हैं इस देश में सबसे बड़ी मांग कर रही है पार्टियां की भाई जाति का जाति का जा, कास्ट सेंसस जारी किया जाए ताकि जातियों को उनका अधिकार मिल सके जातियों को उनके हिसाब से योजनाएं और स्कीमें मिल सकें मेरा तो काम है सर मैं तो डिकोड करने का काम है मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ मैं शिया बराम सुन्नी करने आया ही नहीं हूँ मैं सुन्नी मुसलमानों के बीच में जाता हूँ तो उनसे कठिन सवाल पूछता हूँ मैं जाता हूँ महिलाओं के बीच में जाता हूँ मुस्लिम महिलाओं के बीच में जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ बुरके पे हिजाब पे तमाम जो बहसें होती हैं क्या आपको लगता है कि अब शिया मुसलमानों पर मान लीजिए मेरी मुझे ले लीजिए मुझे सिद्धांत मोहन के बारे में देश भर में बात होने लगे कि सिद्धांत मोहन एक बिके हुए पत्रकार हैं कोट एंड कोट लोग कहते ही रहते होंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो क्या कभी को आप कहने नहीं है कि क्या ये सिद्धांत मोहन में कलबे हुसैन के पचास हजार रुपए छीन लिए ये बात हो जाए मान लीजिए तो क्या भाई साहब पूछने नहीं है कि सिद्धांत मोहन तुमने छीने भले ही मैंने नहीं छीने हो भले मैंने पांच सौ रूपये आप सुधार लिए हो आप बोल दें जाके मैं बोला परसेप्शन बिल्डिंग के खिलाफ भी बात करनी होती है ना सर मुद्दों पर सर वही तो बोल रहा हूँ आप बताइए लेकिन हज़रत ये एक बार से इतफ़ाक़ नहीं रखते हैं अगर हम गलत हों तो टोक दें प्रॉफिट मोहम्मद का लासरमन था लास्ट वख्या खुतबा के ना कोई काला है ना कोई गोरा है ना कोई पसमंदा है ना कोई ऊँचा है ना कोई नीचा है ना कोई सैयद है ना गैर सैद है ठीक है न औरूर का दूसरा ये था कौल था कि नौ कारोबार में है और एक जो है वो नौ मुलाजमत में नौकरी में ठीक है हज़रत ने कारोबार को बुरा कहा कि ये मना है वो मना है वो मना मनाए ईरान में नाइन्टी परसेंट ऊपर शिया है करती सब डिग्निफाइड हो देखिए जब कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वही बात ही कह रहे हैं कि होना चाहिए जो, तो जो हमारे इतनी हाँ ईरान में नाइन्टी ऊपर नाइन्टी परसेंट ऊपर शिया ईरान में तो क्या वहाँ पे गोश्त नहीं कटता है मटन नहीं कटता चिकन नहीं कटता है इराक में एट्टी परसेंट सुपर शिया है कारगिल में नाइन्टी परसेंट सुपर शिया है तो वहाँ गोश्त इम्पोर्ट होता है क्या या जो हमारे पैगंबर थे जिन्होंने बकरीज शुरुआत हुई थी बकरी समझते ना आप इधर उधर आधा अलग अलग लोग कहते हैं उसका उच्चालन अलग अलग किसने क्या काटा था उसको पैगम्बर ही नहीं काटा था तो गलत कैसे हो जाएगा वो सुन्नत हो गई कारोबार कोई भी छोटा धंधा छोटा बड़ा नहीं होता पठान वो अभी देखे जी मैं, कुछ कह रही है हाँ नहीं मेरा कहना है देखिए हमेशा ये बात कही जाती है हम लोग हमेशा कहते हैं मैं व्यूमेन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ ट्वेंटी फाइव ईयर से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर काम कर रही हूँ कि हम लोग कहते हैं कि समतल प्लेग्राउंड दीजिए सबको ओ बी सी को भी दलित को भी माइनॉरिटी को भी जिससे कि वो कम्पीट कर सकें एजुकेशनली इकनॉमिकली सोशलिक सोशली, सोशली पोलिटिकली तब तो आप कम्पीट हैव नॉट का गैप मिटा सकते हैं जब आप सिर्फ कहेंगे हैव एंड हैव नॉट कैसे मिटेगा बताइए जब आपको गिनती ही नहीं मालूम हाँ, हाँ आपको गिनती ही नहीं मालूम और दूसरी बात अगर आप बच्चे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पा रहे हैं रिक्शा पुलर का बच्चा जिस स्कूल में जा रहा हो हमारा बच्चा बहुत अच्छे कॉन्वेंट में जा रहा आप कैसे उम्मीद करेंगे कि रिक्शा पुलर का बच्चा हमारे बच्चे से कॉम्पीट करेगा वो बेहतर बनेगा वो तो रिक्शा ही पुल करेगा वो या कुछ ऐसे ही सब्जी वब्जी लगाएगा तो क्या आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं ना आप चाहते हैं कि उससे निकल के दूसरा काम भी करे वो ज़रदोजी चिकन वर्कर जो हमारी औरतें हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं कंप्यूटर सिखाएं वो आई भी हो पी भी हो वकील भी हो आगे बढ़ें तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को कहना चाहिए और कोई काम सही बात है छोटा नहीं होता हर काम तो अमेरिका वगैरह में कहते हैं डिग्निटी ऑफ़ द वर्क गांधी भी कहा था डिग्निटी ऑफ़ वर्क की बात की थी और ये इस्लाम में भी है ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए ये बड़ी बात है तो सरकार साहब वो कह मत... रही हैं यहाँ बात हो रही है मतलब पेश से अगर ईमानदारी से, शुरी से शुरी अगर हम सुन सुनिए अब देखिए वो बात इन ने कह दिए तो मैं कह तो दे रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने जो है वो क्या कहते हैं कोई सलाटर हाउस नहीं खोला और हमारे बारा इमामों ने का जो करते थे उनको भी उनकी समाज में ज़रूरत थी और उन्होंने किया उन्होंने कहा इसीलिए मैंने कहा कि मकरू हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है यानी नहीं होना चाहिए उससे उसकी रीज़न बता दी है कि जैसे जो सलाटर के काम करने से इंसान का जो है वो कसी यानी बहुत ज़्यादा बन जाता है इस मिजाज के तो से कर रहा है तो जैसा वो, कह वो रही ठीक है वो कर रहा हो तो करेगा तो इसकी मतलब हराम हमारे यहाँ तो नहीं किया फतवा तो नहीं दिएगा कि नहीं कर सकता है मैंने आप तो एक मिसाल दी थी कि हमारे कर... मसला मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ हम लोग जितने आदमी हैं है, हम आ, सफाई का काम जो है सड़क पर कर सकते हैं पूछिए कोई कर सकता है आप अभी अब मैं तो नहीं कर सकता क्यों क्योंकि हम सुन अरे सुन, नहीं 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 सुन हम कह रहे हैं मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया है पूरा नहीं चला उन्होंने कुछ कुछ नहीं किया। नहीं। उन्होंने देश को क्या कहते हैं दबाव बर्बाद कर दिया है अब आप सुन लीजिए बात सुन लीजिए मैं कर रहा हूँ भाई डिबेट ज्यादा सब बात छोड़िए देखिए जो लोग सुनिए सुनिए जो लोग जो है वो इस वक्त कह रहे हैं हमारे आप लाए मुद्दा ये है कि शिया लीडरान जो है वो शिया धर्म गुरु जिनको आप कह रहे हैं कुछ धर्म गुरु चार पांच आदमी हैं कहने का मकसद ये है कि देखिए राजनाथ साहब से जिन लोगों ने राजनाथ साहब तो वोट मांगने के लिए हर पार्टी का आदमी वोट के पास वराजनाथ साहब ने देखा कि किसको हम क्या दें और उसके बाद उसका वोट लें गिव एंड टेक वाला मामला हुआ उन्होंने जो है वो उन लोगों को टच किया उनको बता दिया गया कि इनके पास बहुत बड़ा मजमा होता है और आप इनको जो है वो क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड के सिलसिले में देखिए जो समाजवादी का मैं मतलब ये का वर्कर नहीं हूँ और न मैं जो है वो बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ लेकिन, लेकिन, लेकिन ये और बात है वर्क नहीं करता हूँ कांग्रेस को जो जानते हैं एक ही मैं मैं, ले, मैं जानते हैं कि मैं वर्क नहीं करता हूँ कांग्रेस का लेकिन हमारा खानदान घराना आज़ादी के आंदोलन में सब में रहा तो बहर मैं आ, एक्टिव कांग्रेसी कोई मेंबर वम्बर नहीं हूँ हाँ। मेहरू फैमिली भी सोनिया गांधी जानती सर कहने का मकसद यह है कि जब उन्होंने जो है वो कहा कि वो लाठी चार्ज जो है भाई लाठी चार्ज जो है वो क्या कहते हैं आजम खां के पर्सनल मैटर के ऊपर ख़िलाफ़ था उनका मैटर था वसीम रिजवी उनका आदमी था कल वसीम रिजवी आपका आदमी था है कल आप उसके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे थे आप उसके साथ चले थे और वही फिर उसके बाद वो आजम खा आप से डिस्प्यूट हो गया किसी पर मुख्तार अनीस जिन्होंने जो है वो सफ्तानाबाद का इमामबाड़ा ख़ाली कराया और क्या कहते हैं आलम नगर की ज़मीन ख़ाली कराई मुलायम सिंह से कह के लेकिन लोगों ने कैश कर लिया उसके बाद वसीम को आपने इतना ऊँचा दिया कि उसको जो है वो एज ए क्या कहते हैं डॉन आपने इस्तेमाल किया उन लोगों ने अब उसके बाद जो है वो इतना बड़ा जुलूस हुआ तो उसके जब उसके मा, मा, आवास पे जो है वो हमला करने के लिए जा रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज चलाई हालांकि वो काम कोई अच्छा नहीं था उनको भी जो है वो तहमल्ल से बर्दाश्त से करना लेकिन जो है वो पुलिस के हाथ में जब लाठी आती है तो जब बात से मनवाती है नहीं मानते तो फिर उसके बाद दूसरा मजबूरी है कि हम भी पुलिस अफसर के बेटे हैं तो पुलिस अपना काम करती है ये मैंने बारहा देखा है तो हमारे वालिद कहते थे कि देखो जब पुलिस से बात बात करो तो देखो कि अगर पुलिस का लाइव भैया सख्त हो रहा है तो तुम जो है वो धीरे धीरे करके ठीक है मतलब ये कि टाल के वहाँ से हट जाओ और अगर भिड़ जाओगे तो वो ज़रा से इशारे में फिर सब कुछ हो सकता है समझे कहने का मतलब तो वरल उन्होंने लिया वक्फ़ को कि इनको वक्फ़ दे दिया जाए यह आज़म खां से इनकी लड़ाई यही वक्फ़ बोर्ड की थी तो इनको वक्फ़ दे दिया गया फिर उसके बाद और उनको ठेके दे दिए गए उनको तो वो तो अपील करेंगे कि क्या कहते हैं हज़ादारी के उसके बाद दूसरा तबका हमारा शिया कॉलेज को एक लोगों को दे दिया जिन जिन के राजनाथ साहब जाते हैं और जो लोग राजनाथ के जाके जिन्होंने ग्राउंड पर ग्राउंड पर परेड की है उन्हीं की बात बता रहा हूँ समझ जाए मैं तीन तो के साथ मंच साझा किया है। मंच साझा किया दूसरा तबका शिया कॉलेज के पहुंच गया श्या कॉलेज के हमारे यहाँ जो है कि कितनी जाके जाके आप शिकायत की है जाके अंदर देखिए कि जो है वो प्रोफेसर और लेक्चरर के सिलसिले में जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें कितनी जो है वो बदनवानी हुई और कितने कितने लोगों को जो है वो लो लोग कह रहे हैं कि लाख रुपये ले लेके और जो है वो पोस्टें दी गई हैं और कितने लोगों को अपनी मनमानी उन्हें वो भरा उसके बाद जो है वो तीसरा तबका जो लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस घराना था वो मजार शहीद सालिस का था वो उनको हवाले करे तो जिन लोगों को मजार मिला मजार शली जिनको शिया कॉलेज मिला जिनको जो है वो क्या कहते हैं बोर्ड मिला बीजेपी के पी जे बी गार्डन मिला और शत्तानाबाद मिला और प्लस जो है वो गवर्नमेंट के ठेके मिले वो सब लोग यही कह रहे हैं कि क्या लाएं क्या कि जिससे राजनाथ की तरफ जो है वो वोट मिले तो उनको ये कहा गया कि राज्य हो बीजेपी ने बीजेपी आज से नहीं दस साल पहले से हुकूमत कर रही है उस वक्त तो आपको याद नहीं आया उस वक्त तो आप कहते थे मोदी से बड़ा दालिम कोई नहीं है मोदी से बड़ा कोई क्रूलर नहीं है आज जो है वो आप कह रहे हैं कि आज़ादारी परेशान कर दिए सब पॉलिटिकल मामला बस जो वो कह रहे हैं यही बात मेरा नाम अब्बास महदी है बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग जिन्होंने आपसे ये बताया कि उन्होंने आज़ादारी खुलवाई है और उन्होंने यह किया है और तमाम बातें तो वो जिसके इन्फ्लुएंस में आके ये बात कर रहे हैं उनके ख़ुद के इन्फ्लुएंशियल लीडर ने ये बयान जो बीजेपी का जो अभी इलेक्शन मतलब अभी कुछ साल पहले जो क्या कहते हैं आया था जिसमें ये पूरी तरीके से खिलाफ थे भारतीय जनता पार्टी के तो उसमें इन्होंने बाकायदा एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं बा, मतलब बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि उन्होंने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर अभी हरहल अभी तो हैं नहीं वो तो कहने का मकसद ये कि उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े जालिम अगर इनको सज़ा मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के सारे जालिमों को सज़ा मिल जाएगी और उसके बाद जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने फ़ौरन यहाँ हज़रतगंज के प्रेस क्लब में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बयान दिया वही जिन साहब ने आपको आज इंटरव्यू दिया था उनके इन्फ्लुशियल लीडर ने बयान दिया कि मतलब हमने ये नारा दिया है कि अगर वो न रहें तो हमें किस बात का डर है तो कहने का मकसद ये है कि वो जो आपको बता रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्ट uh, का एक इन्फ्लुएंस है इसके अलावा और कुछ नहीं है बाकी शिया कम्युनिटी बिल्कुल नटशल में अगर बात की जाए तो शिया कम्युनिटी इज़ नॉट इन Of any party. वो जो काम अच्छा करेगा जो क्या कहते हैं सोसाइटी के लिए जो, आ, जो भी अपने एतबार से बेहतर काम कर सकता है वो उसी के सपोर्ट में शिया कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं है नट जो है वो ये है बस हुए। अब मैं भी इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि देखिए शिया कम्युनिटी जो है वो किसी एक किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है ये जो एक एजेंडा सर मैं बात समझू मुझे ना थोड़ा मोड़ा जो भी एक्सपीरियंस समझ में आया अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से जीवन में कि कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी के साथ तो जरूर होता है देखिए नहीं, अरे भी रहे हैं। आ, नहीं आप, आप पूरी एक, भी एक किसी भी कम्युनिटी को आ, पूरी हम यहाँ पर लखनऊ के सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ। और कम्युनिटी को भी लेकिन हम किसी भी पार्टी के आ, से एसोसिएटेड नहीं है हम नहीं होगा एसोसिएशन एक, एक एक सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे हमने कहा और हमने जो जुलूस वाली बात थी मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गई है कि उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं है जुलूसों वाला जो मैंने पूरा एपिसोड था आपको बता दिया जो वकील साहब ने बताई थी आपको जो बात मैंने उसका पूरा जो रेफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया और उसके साथ मैं ये आ, कहना चाहूँगी कि, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जुलूसों से कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ के हाँ तो मैं वही कह रहा था देखिए यहाँ शिया कम्यूनिटी सर उसको वोट करेगी जो उनकी अहम मुद्दे हैं उस पर जो कंसर बताइए शिया कम्युनिटी का अहम मुद्दे के सबसे अहम मुद्दा है एजुकेशन आप देखिए उन पूरे उस तो इलाके तो उसको आपको अंडरलाइन करके बताना पड़ेगा जी नंबर एक एजुकेशन क्या एजुकेशन में एजुकेशन में वहाँ स्कूल्स नहीं है।, ठीक है बड़ा आप अगर आप गए होंगे पुराने लखनऊ में उस इलाके में जाइए तो दूर दूर तक मतलब स्कूल ही नहीं है लेकिन कौन से स्कूल चाहिए प्राइमरी स्कूल्स जो प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए वही नहीं उनको मुहैया हो पा रही है तो जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो एक अच्छा समाज कैसे बनेगा चलिए आप कह रहे हैं शिया कम्युनिटी को स्कूल चाहिए नंबर दो नंबर तो रोजगार चाहिए रोजगार चाहिए।, रोजगार चाहिए जो जब वो पढ़े लिखेंगे तभी वो रोजगार से जुड़ पाएंगे क्या होता है कि अभी किसी का बच्चा अगर रिक्शा चला रहा है तो फिर जब बड़ा होता है तो उसको भी रिक्शा चलाने में में लगा दिया जाता है है कम्युनिटी भी एक वो तबका जो, जो गरीब है और छोटे छोटे व्यवसाय डिपेंडेंट है ठीक है आरी जरदोजी जो है यहाँ चिकन का व्यवसाय बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में लखनऊ आप देखिए उसमें नाइनटी फाइव परसेंट शिया लोग हैं शिया समुदाय के लोग ही जो इसका काम करते हैं क्या होता है तीसरा स्वास्थ्य उसी से मैं बता रहा हूँ क्योंकि रात भर वो काम करते हैं उनकी आंखें आप देखिए पचास पचपन साल आके होते होते उनकी आंखें चली जाती हैं अब वो जब वो आ, आ, यूजलेस हो उनकी गए उनकी आंखें चली गई पचास पचपन साल के आते हैं तो क्योंकि उन्होंने बचपन से जहाँ बारह पंद्रह पंद्रह साल का बच्चा हुआ उसको लगा दिया उसने माँ बाप ने प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जी मांग अगर ये तीन मांगे ही हमारी पूरी हो जाएं, तो हमारी कम्युनिटी का जब एक जिसको कहना चाहिए एक प्रॉस्प्रस कम्युनिटी होगी जब एक उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे उनको प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होंगी तो और जो ये देगा जो भी कोई भी पर्टिकुलर पार्टी इन इन मुद्दों पे बात करेगी इसके ऊपर आकर के हमारा वोट मांगे हम उस पार्टी हमें किसी पार्टी से कोई आ, आ, दुश्मनी नहीं है हमने यहाँ के ऊपर मुसलमान हो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो मेरा स... यही मानना है उसको वोट इन मुद्दों पे देना चाहिए जो उनके इन सिर्फ बातों पे और अगर वोट मंगल सूत्र के ऊपर मांगा जाए या डिविजिव पॉलिटिक्स के ऊपर मांगा जाए उसके ऊपर वोट नहीं करना चाहिए जो हमारी इन बेसिक्स मुद्दों के ऊपर तो जो हिसाब से महाराज भाई कौन कर रहा है पॉलिटिक्स ये तो सब पता ही है कि कौन कौन कर रहा है बिल्कुल बीजेपी कर रही है बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूँ बिल्कुल आप आप उठा करके देखिए आप 2014 से पहले और 2000 आप एक बात बताइए 2014 से पहले आपने लव जिहाद सुना था मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ये तो बहुत ने बहुत रिसेंट टर्म है और बहुत दो से पहले आपने मॉब लिंचिंग सुनी थी सुनी थी कहाँ सुनी थी आपने मैंने नहीं सुनी है एटलीस्ट कहाँ सुना नहीं सुना आपने नहीं सुना ठीक है तो ये सारी चीज़ें कैसे पैदा हुई ये एक 2014 जब सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद जो डिविजिव पॉलिटिक्स शुरू हुई उसकी देन है मेरा वही मानना है बीजेपी को इन सब चीज़ें देखिए अब दुनिया कहाँ पहुँच रही है हमें इन सब चीज़ों से उठ करके हमारा देश हमारा समाज गंगा जमनी तहजीब है जहाँ खास करके लखनऊ में हम लोग बैठे हुए हैं ये इसी के लिए जानी जाती है हम फिर से वो अपना पुराना दौर वापस लाएं हम फिर से उस मोहब्बत की यकजहती की बात करें मिल करके इस दुनिया को इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएँ जो जाना जाता था अपने 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 यकजहती के लिए अपने आप जी देखिए उस दौर में कहते हैं आज मुगल्स चले ले करके चले गए मुगल्स कहाँ ले करके गए अरे मुगल्स आप उस वक्त की जीडीपी देखिए उस वक्त मुगल्स यहीं के जो भी उन्होंने बनाया जो भी कमाया यहीं पे लगाया वो अंग्रेज़ों की तरह ले करके नहीं गए तो एक एजेंडा सेट किया जाता है एक तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है जिसके ऊपर डिवीज़न किया जाता है मैं उसके खिलाफ हूँ मेरा कहना है कि सब मिलजुल करके एक हिंदुस्तान को एक ऐसा समाज बनाएँ कि लोग

<laughs> मुझे 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 पर्सनली क्या दिक्कत हो सकती है क्या दिक्कत होगी मुझे कि आपका झुकाव किस तरफ है या किसी भी किसी भी देश में किसी भी तो तो नहीं, 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 नहीं 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 आप समझिए मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका झुकाव किस तरफ है मुझे वो जानने में दिलचस्पी है देश में किसी का झुकाव किसी भी तरफ है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अंटिलस मुझे समझना पड़ेगा कम्युनिटी को ना कि कम्युनिटी का कम्युनिटी की बात चीजें क्या रह गया है समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया मुझे तो दूंगा उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से नहीं दो दो बार बोल चुके और साहब भी उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से दो मिनट दो आगा देखिए हम क्या कहते हैं देखिए एक बात आप याद रखिए कि हम हर आदमी की हम लोग की उम्र इसी में गुजरी है कि हम बात जो है वो सुनने के लिए जो है वो सुनते हैं भी है और उसके बाद उसका जवाब देते हैं आपने जितनी गुफ्तु हो गई वो सब खत्म हो देखिए हम अम चाहते हैं हैं और आशती चाहते हैं और शांति चाहते हैं समझ रहे हैं आप भी जानते हैं खूब जानते हैं और दुनिया ने, ने तो, तो बहरह जी मतलब हम ये चाहते हैं कि जो है वो इसमें वोट सब लोग जो है वो वोट में शिरकत करें और बिल्कुल जो है वो पब्लिक ये फैसला कर ले कि जो जालिम है जिसने डिवाइड किया कौम को जिसने जो है वो क्या कहते हैं कास्ट वार के ऊपर जो है वो जो लोग बोले हैं जो धर्म को जिन्होंने धर्म को सियासत का जो है बनाया चाहे वो शिया मुसलमान हो चाहे सुन्नी मुसलमान चाहे वो कोई भी हो किसी भी तरह जिसने जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में धर्म का यूज़ किया है उनको बिल्कुल वोट ना दे वो डिवाइड करने वाले हैं और देश को बनाने वाले ने क्या नाम है आपका जी मेरा नाम आलिफ खान पठान है मैं बैठूंगा या जी बात शिया सुन्नी की नहीं है बात हिंदू मुसलमान की नहीं है देश की जो जनता है रोजगार उनको चाहिए उनको अच्छी शिक्षा चाहिए उनको स्वास्थ्य अच्छी चाहिए आज के डेट में जब मैं जब से मोदी जी आए हैं 2014 के बाद लोगों को लगता है कि उससे पहले आज़ाद नहीं थे उससे पहले क्या दो हज़ार चौदह के बाद आज़ादी मिली क्या हमें आज़ादी जो है भूखमरी से चाहिए हमें जो आज़ादी है बेरोज़गारी से चाहिए हमें जो आज़ादी चाहिए अच्छे स्वास्थ्य स्वास्थ्य चाहिए आज की डेट में मैं देखता हूँ कोई भी एग्ज़ाम होता है पेपर लीक हो जाता है तो वो नहीं चाहिए लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है मोदी जी आए थे कहे थे कि मैं दो करोड़ रोज़गार दूँगा हर साल रोज़गार तो नहीं मिला देश की जनता ने अब ठान लिया है कि माननीय मोदी जी को यहाँ से विदा करने का और जो भी सरकार आएगी तो अगर सरकार देश के हित में काम करेगी तो उसको रखा जाएगा अदरवाइज उसको भी बदल दिया जाएगा बस यही कहना चाहता हूँ। और इतनी अभी तो बैठा था मैं। नाइन्टी <laughs> वन से इस लखनऊ की सीट सिक्योर है बीजेपी के लिए और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है आप उसको चेक कर सकते हैं तो अब जिनका फायदा सत्ता पक्ष से होता है तो जाहिर सी बात है वो एक सिक्योर सीट है उनको ही जीतना है वो यहाँ के जीते हुए कैंडिडेट हैं तो ऑब्वियसली वो उनको उनकी तरफ जो है वो अपना इंक्लाइनेशन जो है वो दिखाएंगे और उसको बढ़ चढ़ के लगा शो करेंगे अगर आप ये कह रही है कि इधर हाँ। इधर ही इनको ही चुना जाना है हाँ। तो उनको ही उधर ही जाएंगे एग्जैक्टली exactly. और अभी अगर कभी 10-20 साल के बाद अगर आप देखिए कुछ आइडियोलॉजी चेंज होती है या जब भी चेंज होती है तो यही लोग अगर रहे आप रहे हम रहे तो देखिएगा फिर जो सत्ता में होगी फिर ये उसके साथ होंगे लेकिन एक चीज़ एक और भी है सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि आखिर जोड़ना जरूरी था <laughs> नहीं ऑबियसली तो हम हम यही जो है वो यही बात कहेंगे कि लोग अपनी सूझबूझ से वोट करें और कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता कोई किसी को कन्वेंस नहीं कर सकता कि वो इसी को वोट दे क्या है आपका मेरा नाम सरदार नकी है सरदार नकी लाल छोटी छोटी कुछ बातें करेंगे जैसे मौना साहब ने काम के लिए कहा गोश के लिए तो कोरोना में शिव ने गोश काटा है बेचा भी है जब जब कर्फ्यू लगा तब भी शिव ने काटा ना सबको अकेला करके भेजेंगे आप लोग यहाँ से आज तो इसलिए वक्त के हिसाब से हर कोई आदमी काम करता है यहाँ कोरोना में लोगों ने बाल भी काटे घरों में सबके और सफाई भी की सब काम हुए हैं कोई याद नहीं और जहाँ तक ये मोदी जी की बात है कोई आदमी अगर यहाँ बैठे कोई जुल्म करे और ये मौलाना साहब मेन आदमी हो और ये जुल्म पे जुल्म किया जाए मौलाना साहब ना बना करें तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि लीडर मौलाना साहब छूट दे रहे हैं तो दो के बाद ऐसे लोगों को क्यों छूट दी गई कि शिया सुन्नी हिंदू मुस्लिम ये सब बढ़े हिंदू मुस्लिम ये क्यों ऐसा बढ़ा इससे पहले क्यों नहीं इतना बढ़ा होता था यानी कि कांग्रेस से वहाँ दंगे नहीं हुए लेकिन इतनी नफरतें नहीं थी इतने दंगों के बाद भी साथ में रहते थे साथ में खाते थे, साथ में पीते थे आज जो है आप आए हमें शक रहता यार पता नहीं कैसा आदमी हूँ बात करें इसके सामने ना करें तो ऐसा क्यों हुआ या कातिलों को हार पे ना जा रहे हैं जो जब... पत्रकारों पे वैसे भी शक करते हैं नहीं नहीं खाली आ आ नहीं कर रहे सभी अपने दोस्त पे शक करना अपने दोस्त के ऊपर हम शक करते हैं क्योंकि बोले इसके सामने ना बोले पता नहीं क्या सोचे हमारे बारे में या कतिल जो आ रहे छूट पर हार पहनाए जा रहे हैं तो ये छूट क्यों दी गई है तो आप ये सोचिए मेन आदमी जो है जो इसको कंट्रोल कर सकता है वो क्यों छूट दे रहा है अच्छा आ, मैं अगेन कल हुसैन तो साहब आखिर दो मिनट अब मेरा तो 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 दो मिनट तो मान लीजिए तो अब आप, हम एक आप तो अरे तो दो तो आपको शेर अरे अरे नहीं इतना अरे इतना भी अनपढ़ नहीं है सर कम कल भी हुसैन साहब गुस्सा के बाद एक सवाल है मेरा परसेप्शन तो शेयर एक एक अरे मेरा है, एक सवाल पूरा हो जाए देखिए मैं मेरी, मैं मेरी मैं ना पत्रकारों को जानता हूँ यहाँ पे लखनऊ के जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ इंडियन एक्सप्रेस में रखते हैं वो कर चुके हैं पहले काम तो उन्होंने कहा कि कम अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन है लेकिन आप पूछ लो जब आप भी आप शिया मुसलमानों के बीच में जाना तो आप पूछना उनसे कि और सुन्नी मुसलमानों के बीच में जाना तब भी पूछना अब मैं पूछ चुका हूँ पूछूंगा भी क्या क्योंकि मैंने एक मेरी इस मीटिंग को लेकर जो आप लोगों से कर रहा हूँ उसको लेकर एक बातचीत हुई थी जब भी मैं तैयारी कर रहा था इसकी तो मैंने बोला क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक ही जगह पे शिया मुसलमानों और सुन्नी मुसलमानों को बैठा कर उनसे उनके बीच में ये डिस्कशन करूँ ये हो पाएगा तो लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा तभी लोगों ने कहा कि जाके पूछना दोनों सेक्ट में जब जाइए तो पूछ लेना कि क्या ये हो पाएगा शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान बैठ के एक साथ बात करें यह संभव है बिल्कुल बिल्कुल संभव है लेकिन उनके लीडरान ना बैठे क्योंकि अगर लीडर्स जो सो कॉल्ड लीडर्स है वो बैठेंगे तो संभव नहीं है लेकिन आप आप आम पब्लिक को शिया मुसलमान आपस में सब मिलते जुलते हैं दोस्त हैं उनको आप आपस में बिठा लिए सुन्नी मुसलमान है, कोई है, हम से है। जो मेरे दोस्त है मिलते हैं साथ में बैठते हैं डिस्कशंस होते हैं अच्छा ठीक है वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस हाँ, की बात कही थी मैंने बिल्कुल बैठते तो ज़्यादा वो चीज मैंने शुरू में ही वाजे कर दी थी जो अब आप कह रहे हमसे ना

अगर आप राजनाथ सिंह का बताओ सांसद नाम इंटरव्यू होने वाला है पहली बार राजनाथ सिंह का नाम आया है अरे नहीं ऐसा मत बोलिए कितने लोगों ने राजनाथ सिंह का नाम लिया है आप देखिए कई सारे लोग गलती ले रहे हैं आखिर में तो करिए तो देखिए अब आप सुन लीजिए एक बात बिल्कुल आखिर में क्योंकि शेर तो अभी आ ही जाएगा बीच में देखिए बात आपको बता दूं एक सवाल मैं आप लोगों से अभी मैंने किया था और उसके बाद देखिए एक बात याद रखिए कि हिंदू मुस्लिम फसाद हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं है देखिए बहुत तल हकीकत है इसको आपको सुनना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद होता तो हर बस में होता हर स्कूल में होता हर कॉलेज में होता हर ट्रेन में होती हर बस्ती में होता हैं हम एक साथ सफ़र करते हैं और क्या कहते हैं कोई झगड़ा नहीं होता है ट्रेन में अगर जो है वो पचास मुसलमान होते हैं तो जो है वो एक नौ सौ पचास जो है वो हिंदू हजरात भी सफ़र करते हैं इंटीरियर में भी जाएगा किसने ये बात बोया झगड़ा क्यों ये किया गया क्यों इतने जो है फसादात हुए अब एक सवाल ये किया जाता है कि अब क्यों नहीं हो रहा है तो र है कि जो क्या कहते हैं फसाद कराने वाले थे जो कराते थे वही लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आ गए तो फसाद कहाँ से हो गया अब आपने जो है कि कि वो ओपन जो है वो मर्डर नहीं कहते हैं कि कत्ल जो है वो ज़ाहिर से भी होता है और कत्ल जो है वो शूट से और क्या कहते हैं तलवार से भी होता है अर जो है वो स्ट्रेटेजी का पॉलिसी बदल गई इसको बदलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप और सुनिए सुनिए तो, सुन सुन तो बहरहाल मतलब यह कि मैं कहूँगा कि जैसे हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब यहाँ थी जैसे सब मिलजुल के रहते थे हम लो लोग जो है वो मजहबी लोग हैं अपना काम करते हैं हम सियासत में नहीं मुझे लगता है गंगा जमनी तहजीब वैसी इंटैक्ट है वो थोड़ी सी बीच में जो भी रहा हो लेकिन क्योंकि देखिए सूफियों और संतों की ज़मीन है ये कबीर की भूमि है जो कहते हैं दो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है ये वक्ती है मैंने कहा ना वो कुछ लोग हैं चाहे मुस्लिम लीडर्स हों या ये मौलाना हो कोई हो कम्युनिटी के वो अपने फ़ायदे के लिए अपने वेलफेयर अपनी फैमिली वेलफेयर और अपने दोस्तों का जो ग्रुप है उसके लिए वो कहते हैं कि हम जैसे कहते हैं ठेका उठाते हैं मुसलमानों का अब वो नहीं उठ रहा है अब खत्म हो गया जा रहे हैं आप आपको बता रहा हूँ नहीं जाएंगे अभी सबकी इस्लाह अरे छोड़िए वो सब बात जाना है मतलब आपको वो सब छोड़िए जाना है अभी आपको नहीं जाना तो नहीं मतलब खत्म करें डिडम चले तो बहरा मैं कह रहा था कि फिर आप बात देखे तो मैं तो देखो सर यही करता हूँ यहाँ नजरिया सुनिए ये नहीं सर सुन जान तो लीजिए इफ्तिकार साहब सुन तो लीजिए सुन तो लीजिए अब आप दंगे की बात कर रहे हैं कि दंगा किसने करवाया वो इन्होंने पावर में है ये है अब उसमें सरकारें और कारें ये सब बोलती हैं कि सरकारें बोलती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा गया है ठीक है अच्छा ये सब बातें ये सब बातें बाते चलिए किनारे करते हैं शेयर सुना के खत्म कर भाई मतलब ये के वो जिगर ने बहुत बेहतरीन बात कही कि देखिए हम मौलवी हैं और हम कोई पॉलिटिक्स में जो है वो ओपन नहीं है और ना हम कोई जो है वो पॉलिटिक्स में कोई इलेक्शन हम लड़ रहे हैं वो जिगर ने कहा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे